Welcome to our YouTube channel program, Guru Mantra, Siksha Ka Granth. Today we will look upon two particular things, how to find the gene order and the distance between genes. All right, here is the first example. See, a cross is given. The number of offsprings are given, right? Total offsprings are given, from which some are parental and some are recombinant. In our last video, we had discussed about the recombinant things, right? Jo nayi combinations bane hai, that are recombinant. Parentals are the original one that are carrying the genotype of parents, right? Ye statement aapko dhyan se dekhni hai. Cross bhi de rakha hai, right? ओके, पेरेंटल जीनोटाइप क्या था? ये था. गैमेट्स कौन से बने? ये बने. गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, राइट? एफएन प्रोजेनी में क्या जीनोटाइप निकल कर आया क्रॉसिंग ओवर से? ये. अब क्या हुआ? एफएन प्रोजेनी में टेस्ट क्रॉस हुआ, राइट? टेस्ट क्रॉस इज व्हाट? इट इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल एंड अ कॉरेस्पोंडिंग हेटरोजाइगोट. All right, okay. The thing is that कि जब भी आप डायग्राम देख रहे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी कोई आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड देयर. टेस्ट क्रॉस का मतलब आपको पता चला, राइट? यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है. होमोजाइगस का मतलब आपको पता है, पहले भी वीडियोज में बताया गया, राइट? तो सब चीजें क्लियर करके चलोगे तभी फटाफट से जो है क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. कहीं एक चीज कंफ्यूजन में रह जाती है तो आंसर भी डाउट में रह जाता है, राइट? ऑलराइट, सो गैमेट्स हमें क्या मिले? गैमेट्स हमें ये मिले, राइट? जब कॉम्बिनेशन बना, कॉम्बिनेशन अलग अलग बना, राइट? अगर ये मैं आपको एक दे दूं और यहां से आपको मैं बोलूं कि आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, देन श्योरली यू कैन डू दैट, राइट? और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका भी फॉर्मूला आपको पता है. एलील्स गिवन है, कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे आपको पता, राइट? यहां से क्या आया? यहां से सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बनेगा. ऑलराइट, अब फाइनल आउटकम क्या आता है? फाइनल आउटकम हमारे पास ये आता है, जब क्रॉसिंग ओवर हुई, जब कॉम्बिनेशंस बने, एक एक करके कॉम्बिनेशंस देखो आप, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ. तो इस तरीके का जो एफ टू प्रोजेनी था, इस तरीके का फिनोटाइप जो है, इस तरीके का जीनोटाइप जो है वो हमें देखने को मिला. 160, 165, 36 and 39. आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है दैट इज पेरेंटल, राइट? पेरेंटल जीनोटाइप हमेशा आपको ज्यादा नंबर में मिलेगा. एंड व्हाट इज लो? दैट वन इज रिकॉम्बिनेंट, राइट? ओके, अब ये चीजें हमें पता है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए. फॉर्मूला इज व्हाट? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स इनटू 100, राइट? ऑफस्प्रिंग कितने थे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट? 36 + 39, टोटल इज व्हाट? 400 गिवन भी है यहाँ पर, इनटू 100, राइट? रिजल्ट आपका आ गया 18.8 सेंटीमॉर्गन, राइट? यूनिट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, मींस जीन्स आर अप्रॉक्स 18.8 सेंटीमॉर्गन अपार्ट. अगर हमें डायग्रामेटिकली व्यू देखना है तो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स? 18.8 सेंटीमॉर्गन, राइट? सो इजी. 5 to 10 क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा जीन का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना, राइट? सी, हो सकता है आपको ये सब चीजें आती हों, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती हों, बट आई एम डैम श्योर कि कुछ एक एक आध चीज तो आप नहीं सीखेंगे ही सीखेंगे, राइट? तो बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, बिकॉज दे आर डैम इजी, यू कैन गेट मार्क्स इजीली. पार्ट सेक्शन सी में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन टू में भी आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? और क्वेश्चन तो जरूर आता है, या तो जीन ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर डिस्टेंस को मैप करने के लिए बोलेगा, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन ड्रोसोफिला सिनेबर आई एंड वेस्टिजियल विंग्स आर सिंपल रिसेसिव ट्रेट्स. A female heterozygous for both genes was
crossed with a male with cinnabar eyes and vestigial wings. The offspring resulting from this test cross are these, right? Cinnabar eye is a sex-linked recessive characteristics in Drosophila. And vestigial means vestigial organs ke baare mein aapne suna hoga. Vestigial is what somewhat very small or degenerative, right? That is not completely grow. So, ye jo offspring ka result hai is cross se aapko ye result milta. Phenotypes are like this and the numbers are this. Ye data hai hamare paas, right? Okay, sabse pehle to aap parental dekhiye. Parental kaun sa hoga isme se? Parental number kaun sa hoga? Parental phenotype kaun sa hoga? This one and this one. जो भी डाटा हमें दिया है उसमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा है, right? Highest frequency में है, that one is parental. और जो lowest number में है, कम number में as compared to others, that one is recombinant. All right? Okay. What are the classes of recombinant phenotypes? Obviously, these two are the classes of recombinant phenotypes. Cinnabar eye, wild type wing, and wild type eye, vestigial wing. After the cross, the results are like this. All right. The distance between the cinnabar eye and vestigial wing genes. Ab aapko distance find karna hai. Kisme distance find karna hai? Cinnabar eye and vestigial wings mein. So what is the formula? Total number of recombinants divided by total number of offsprings into 100. So this one will be equal to 100 and the total of these will be equal to 1000, I guess. Alright, the resultant will be 10 centimorgan will be the distance between these two genes. Alright. Third question is what? If crossing over were occur in the male parent, then what is the effect on phenotype? The result will be same. Right? Okay. Because the things are same. See, beshak wo male ho, female ho, doesn't matter. The genotypes, the genes are playing the main role here. So the result will be same. Okay? Alright. Moving to the next question. All right, here's a 3-point cross given. In last video, we discussed 3-point cross, double cross, single cross. Okay, three genes are we have, and this data is right? This parental combination we got, this single crossover result we got, and this double crossover result we got. All right, single crossover was between C and B. Right? और इस तरीके के genotypes जो हैं वो हमको मिले after crossing over. Try to correlate these things. ये जो crossing over हो रही है और किस तरीके से genes shift हो रहे हैं, right? अब यहाँ देखिए, ये shifting है. Resultant genotype is this. यहाँ पे देखिए क्या shifting है. C की shifting है, crossing over है. Resultant will be this. यहाँ पे two crosses हो रहे हैं. किस किस का हो रहा है? इसका हो रहा है और इस gene का हो रहा है. Resultant will be this. Try to correlate these things. Okay. The parental combinations yahan pe de rakhe hai. Okay. A main cheez jo yahan par nahi aayi hai, that is double cross. Double cross ki bhi probability rehti hai. Double crossover ki bhi probability rehti hai. So these are in the lowest number. Right? What we have to find? We have to find the gene order and the gene distance between the genes, right? Between these two genes, between this genes and between these genes. Alright, first we have to find the gene order. Remember, aisa nahi hai jo aapko genotype de rakha hai, wahi gene order hai. Teen genes aapke paas hai, kuch bhi gene order ho sakta hai. ABC, BAC, CAB, anything, right? So you have to find the gene order. What is the trick to find the gene order? Right. सबसे पहले आपको find करना है parental genotype क्या है. वो आपको पता है. अगर नहीं भी दे रखा होगा, तो भी आप पता लगा लेंगे. कैसे? Highest number में जो होगा. Right. अब double crossover, second thing आपको find करनी है. दे रखी है, नहीं भी दे रखी होगी, तो पता लगा लेंगे. सबसे lowest number में होगा. All right. Parental genotype आपने लिखा. First one is what? A, B, C. Capital one, this one. Second one is this one. Double crossover mein first one is this one and second one is this one. What we have to do? We have to compare both of them, right? You have to compare first parental genotype with the first double crossover genotype. Jab humne compare kiya, hume ek cheez uncommon mili. These two are same. Uncommon is what? Capital C and the small g. In genes mein hume
कुछ अलग मिला. जब हमने सेकेंड पेरेंटल जीनोटाइप कंपेयर किया विद द डबल क्रॉसओवर जीनोटाइप सेकेंड, अगेन हमें अनकॉमन चीज क्या मिली, ये मिली. सो सी शुड बी इन मिडल राइट एंड द करेक्ट जीन ऑर्डर शुड बी ए सी बी राइट. दिस इज द केस एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री जीन्स ऑन द क्रोमोजोम. इसी तरीके से आपको फाइंड करना है. बेशक आपको कोई भी जीनोटाइप गिवन हो, यहाँ पर तो आपको ये गिवन था तो आपका रिजल्टेंट ये आया. बेशक आपको कोई भी जीनोटाइप गिवन हो, यू हैव टू फाइंड द जीन ऑर्डर यूजिंग दिस ट्रिक. ऑलराइट, वेरी सिंपल. दो मार्क्स में कई बार आता है सेक्शन बी में, सेक्शन सी में भी कंबाइन होकर आता है जीन ऑर्डर जीन डिस्टेंस. सो इट्स वेरी इजी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द जीनेटिक डिस्टेंस. Alright, this is the second thing we have to do. We have to find the distance between genes, right? Or genes हमारे पास क्या है? We have to find the distance between A and C and B. दो के बीच में निकल गया, third one के बीच में अपने आप निकल जाएगा, right? Formula is same. Number of recombinants divided by total number of offsprings into 100, right? I've tried to correlate the things. We have to find the distance between A and C. So you can't take the parental combinations. You can't take this one. You can't take this one because these are parental things, right? What we you have to take the recombinants, jo nayi cheeze bani hai, 81 plus 85 plus 5 and 8, right? See the things, new recombination, recombinant, right? Same thing, right? And this, aap samajh rahe hain main kya kehna chah rahi hu? Okay. कैलकुलेट करा, 17.9 सेंटीमॉर्गन इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी. रिमेंबर यू डोंट हैव टू टेक द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, राइट? ओके, सो हियर रिकॉम्बिनेंट्स आर व्हाट, 27, 35 एंड 8. यू डोंट हैव टू टेक द पेरेंटल जीनोटाइप्स, राइट? सो द रिजल्टेंट विल बी दिस, एज सिंपल एज दैट. All right, sometimes recombinant frequencies are given and you have to find the gene order according to that. Map distance between two genes allow us to place genes in their proper linear order. Assuming that the recombinant frequency between the genes A and B is 4% and between B and C is 7%, the order of gene can either be ABC or BAC. Simple si baat hai, A aur B ke beech mein 4% de rakha hai, B aur C ke beech mein 7% de rakha hai, right? And the total is what, 11 map unit, right? Or agar hum is tarike se lete hain ki B or A and this like this one, right? So is way mein bhi jo hai aap consider kar sakte ho, depend karta hai ki aapko kitni recombination frequency de rakhi hai, right? Here also you are following the same thing. What A or B bol lijiye, B or A bol lijiye, right? तो मैप डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4%, 4 मैप यूनिट, राइट? एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 7%. सो बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 7 मैप यूनिट. ए और सी के बीच में आप निकाल लीजिए 3 मैप यूनिट. सो द थिंग इज दैट द जीन ऑर्डर कैन आइदर बी ए बी सी और बी ए सी. डिपेंड्स आपको क्वेश्चन में कितना क्या फ्रिक्वेंसी दे रखी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डायग्राम बनाना, साथ में रिजल्ट निकल जाएगा, राइट? दो का दे रखा है, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा. ये दोनों दे रखे हैं, ये निकल जाएगा. ये दोनों दे रखे हैं, ये निकल जाएगा. ट्राई टू लोकेट द जीन्स करेक्टली एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द जीन ऑर्डर. ऑलराइट, दिस मच इज इनफ फॉर टुडे. वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द जेनेटिक क्लासेस. थैंक यू सो मच. Yeah, one more thing I would like to say, please do solve all the questions relevant to this topic. कहीं पर भी आपको questions मिल रहे हैं, किसी भी book में मिल रहे हैं, quiz में मिल रहे हैं, previous year question papers में मिल रहे हैं, solve as much as you can. Practice makes the man perfect, right? Even women, right? Okay, so good luck. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the
bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.